नमस्कार, मैं मुजाहिद भारतीय डीजी अना न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा जिला गुना की बैठक आज हुई आयोजित। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 2 और 3 जनवरी को शहर में आयोजित होगी। साथ ही बैठक के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान आएंगे। बैठक के बाद 3 जनवरी को लक्ष्मीगंज में सभा का आयोजन भी किया जाएगा। उक्त बैठक के आयोजन की रणनीति तैयार करने हेतु आज की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा के जिले भर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मसूरगढ़ मंडल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जी का स्वागत करें। हमारे सोनू मालवीय ने जो इच्छा व्यक्त करी है कि मोर्चे की बैठक, अपने पार्टी का जो मोर्चा है उसकी बैठक गुना में होना चाहिए, पहले तो हमने सोचा कह रहे साहब प्रदेश के लोग इतने लोग आएंगे, हम कैसे व्यवस्था करेंगे। तो ना कभी होटलों में मत ठहरवा देना, तुम तो झोपड़ियों में ठहरा देना, भोजन भी ना मिले। तो अपने राजेंद्र भाई ने बहुत पानी की व्यवस्था की है नगर में, तो भोरों का आना निश्चित है और बार बार उनके आने से दिल लग जाना निश्चित है। तो कह रहा था कि ये ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं ना बड़े, ये आंगन में बेल की तरह होते हैं, मतलब चमेली की बेल की तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो फिर भोरे भी आते हैं, तो कार्यक्रम होते हैं तो सब कार्यकर्ता आते हैं, बहनें आती हैं, हर तरह की समितियां बनती हैं और उनको अपना जोहरा, अपना कर्तव्य, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता दिखाने का अवसर उनको प्राप्त होता है। इससे लीडरशिप भी खड़ी होती है, काम भी खड़ा होता है, उनके साथ साथ में अनुभवी हमारे कार्यकर्ता साथ में लगते हैं, तो निश्चित रूप से उनसे सीखने का अवसर मिलता है। और इतना अच्छा नेतृत्व माननीय पारिक जी का, हमारे पन्नालाल जी हैं, पूरी भाजपा उनके साथ में यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमारे बीच में हमें सभी जिला पदाधिकारी से कहना चाहूंगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगे स्वागत करें। ब्रह्मोहन गोरखिया जी, किन मुद्दों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी समग्र समाज में काम करती है, उसी के अंतर्गत हमारे 7 प्रमुख मोर्चे हैं, उनमें से अनुसूचित जाति मोर्चा ये पूरे प्रदेश में काम करता है। इसके प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सूरज भाई केरो, गौतम जी टेटवाल और मोहन जी टेटवाल हमारे साथ अभी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। ये हमने आज गुना जिले की मंडल स्तर तक की अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक एवं भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, मोर्चे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और वरिष्ठ जो नेतागण, हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री जी, ममता जी, पन्नालाल जी, कन्हैयालाल जी, ऐसे सभी लोग बैठ करके और एक अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश स्तरीय बैठक कार्य समिति की, जो प्रति वर्ष में 2 बार होती है, उसका आयोजन, हमारा सौभाग्य गुना का कि हमारी धरती को इस कार्यक्रम का मौका मिला। वो समिति की बैठक 1, 2, 3 जनवरी को गुना में होगी। 1 की शाम को सब लोग आएंगे, 2 के दिन पर कार्य के बारे में विचार विमर्श, आगामी योजनाओं पर मंथन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें कुछ समय के लिए शिरकत करेंगे। माननीय नंदू भैया, माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे लाडले नेता उसमें मार्गदर्शन के लिए आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक गुना में होना है और उसके निमित्त आज हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो कि बहुत सक्रिय हैं, आदरणीय राधेश पारी जी ने आयोजित किए, वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे कि आगामी कार्यक्रमों और उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के अंजाम दिया सके। शुभारंभ से लेकर के समाप्ति तक ये कार्यक्रम चलेगा। 1 से लेकर 3 तारीख तक का ये कार्यक्रम है जनवरी में, और समापन समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसका समापन करेंगे। साथ ही गुना जिले के अंदर एक बहुत बड़ी आम सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसको संबोधित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई नंद कुमार सिंह जी चौहान जी हैं, शिवाजी भाई साहब हैं, बाकी अन्य वरिष्ठ नेता जो मंत्री भी हो सकते हैं मोर्चे के, वो सब इस कार्यक्रम में रहेंगे। किस तरह की सभा का आयोजन हो रहा है? ये पूरा गुना जिले का जो अनुसूचित जाति वर्ग है, बस्तियों से मंडल तक की व्यवस्था है और वहाँ तक मतदान केंद्र की व्यवस्था है, वहाँ से हर कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में एकजुट होकर के बड़ी संख्या में उपस्थित होगा और इस सभा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे।
स्थानीय रेलवे स्टेशन के अधिकारियों की एक मीटिंग का आज आयोजन हुआ, जिसमें भोपाल रेलवे मंडल से डीसीएम ने शिरकत की। साथ ही गुना रेलवे स्टेशन को और सुगम एवं सुंदर बनाने हेतु यहां कई विचार किए गए। वहीं इस मीटिंग में लिए गए कुछ निर्णय के संबंध में रेलवे स्टेशन अधिकारी ने डीजीआना न्यूज को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। हमारा एक सर्विसेज इम्प्रूवमेंट ग्रुप है फॉर्म किया हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट और अपना स्टेशन का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और स्टेशन मैनेजर और लोकल सुपरवाइजर और जो लोकल हमारे ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पर पोस्टेड है, हम लोग उसके स्टेशन की बेहतरी में यात्री को बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं उसकी एक मीटिंग रखते हैं हम लोग। तो वो हम लोग विजिट किया तो हम लोग कुछ काफ़ी चर्चाएं की जो पिछला हमने जो 5 महीने पहले की थी एक बार। ये मतलब एक रोटेशन में होता है, वैसे तो स्टेशन मैनेजर हर महीने करते ही हैं लेकिन अधिकारी लेवल पे ये रोटेशन में होता है, 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में। ये अलग से मतलब SIG ग्रुप है एक, तो उसमें हम लोगों ने स्टेशन की बेहतरी के लिए चर्चा की और कुछ आइटम हैं वो आपको स्टेशन मैनेजर बता देंगे जो लिए हैं हमने और वो करेंगे बेहतर। यहाँ पे अधिकतर यात्रियों को एक चीज़ सबसे ज़्यादा परेशानी थी, इंक्वायरी ट्रेन का टाइम क्या, कब कौन सी ट्रेन कहाँ, कोई मिलता भी कोई मिलता नहीं है। इंक्वायरी की बेहतरी के लिए आज भी बात हुई है, जो इंक्वायरी का अंदर बोर्ड लगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड उसको बाहर लेके आएंगे। आज DCM साहब आए हैं मंडल भोपाल डिवीजन से और SIG मीटिंग होती है यहाँ पर 2 या 3 महीने में एक बार, पानी के लिए आए सारे सुपरवाइजर थे गुना के और उनमें क्या है आपस में जो भी काम रहता है उनके बारे में सजेशन देते हैं वो और दूसरी मीटिंग में उनके बारे में पूछते हैं कि यहाँ जो पहले बताया था वो काम हुए कि नहीं हुए, उनका पूरा विवरण लेके और जो नया काम जो भी रिक्वायर्ड है अपन को जैसे पैसेंजर एम्यूनिटीज है उनके बारे में सारी चीज़ें लेके। यातायात विभाग द्वारा दुपहिया वाहन चालकों पर बिना हेलमेट वाहन चलाने हेतु लगातार की जा रही है कार्यवाही। इसी तारतम्य में आज भी विभिन्न जगहों पर यह कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा वाहन चालकों के चालान बनाए गए। वहीं यातायात प्रभारी मनीष डावर ने बताया कि उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के निर्देशानुसार की जा रही है जो कि 31 दिसंबर तक चलेगी। अभी विदाउट हेलमेट का जो अभियान चल रहा है उसी तारतम्य में आज भी वाहन चेकिंग की जा रही है और अभी लगभग 50 से 55 चालान हो चुके हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई 31 दिसंबर तक लगातार चालू रहेगी और हेलमेट के प्रति चूँकि जागरूकता अभी नहीं आ रही है तो इसको आगे भी चलाया जाएगा, कोई डेट फिक्स नहीं है उसके लिए। वार्ड क्रमांक 18 के वार्डवासी गंदगी से हैं परेशान। वार्डवासियों का कहना है कि लंबे समय से वे इस परेशानी को झेल रहे हैं, जबकि ना तो नगर पालिका का कोई कर्मचारी और ना ही उनके वार्ड के पार्षद उनका हाल जानने के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद शहर के सबसे युवा पार्षद कविंद्र सिंह चौहान हैं। अभी जबकि बारिश का मौसम भी नहीं है तो वार्डवासियों के घरों में पानी भरा हुआ है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के दिनों में लोगों की समस्या किस हद तक बढ़ जाती होगी।
क्योंकि हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, ना हमारी यहाँ कोई सुनवाई है, ना कुछ है, ना तो यहाँ तुम्हारे झाड़ू लगाने वाला आता, ना कोई सफाई करने वाला आता। हम सुबह से ही करते हैं और कोई सब 20 साल से हम इतने परेशान हैं ताकत से ज्यादा कि ना हम बरसात छोड़ हम कि सूखे दिनों में ही निकल आ, ऊपर का पानी इतना आता है कि हम कीचड़ पूरी कीचड़ हमें खुद दरवाजे पे मट्टी डाली है, लाला के हमें मट्टी डालने हैं। अब आप बताओ पानी ऊपर से कितना, बहुत परेशान है हम, बीमार हमारे बच्चे बीमार, दिन रात जी का कहते हैं गंदे पानियों में से निकलना, उसकी सफाई करना, ऊपर का पानी पूरा नीचे आ रहा है हमारे दरवाजे से अड़ रहा। वार्ड क्रमांक कौन सा है ये आपका? 18। इसका वार्ड पार्षद कौन है? डर आ रहा है पूरे मकानों का, हमारे तो मकान ही डूब गए जी सारे के सारे, और हमारे तो बच्चे गिरते हैं उठते हैं गंदे हो जाते, स्कूल ही नहीं जा पाते हैं, साइकिलों से बहुत दूर स्कूल जाते हैं, साइकिलें कैसे निकाल के ले जाए। बार बार से आता है कि नहीं आता है? कोई नहीं आता है, कोई देखने ही नहीं आता है। ऊपर से नली बन गई, यहाँ पे तो कोई नली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें तो ऊपर का पानी और हमारे घरों में भर रहा है जी, हम तो डूब रहे हैं। जिला संविदा प्रेरक शिक्षक संघ गुना द्वारा आज स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही नारेबाजी भी की गई। यह विरोध प्रदर्शन एवं नारेबाजी प्रेरकों की सेवा समाप्ति के विरोध में की गई। यहां जिला संविदा प्रेरक शिक्षक संघ गुना के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज इसी प्रकार का प्रदर्शन प्रदेश के लगभग 42 जिलों में रखा गया है। गौरतलब है कि गुना जिला समेत अन्य कई जिलों में प्रेरकों की सेवा समाप्ति के आदेश हो चुके हैं, जबकि कई अन्य जगहों पर प्रेरक अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही बताया कि सेवा समाप्ति के अलावा उन्हें लगभग 18 महीने से मानदेय भी नहीं दिया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज प्रेरक शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। कि 42 जिलों में जब मध्य प्रदेश के में ये साक्षर भारत योजना है तो किसी भी जिले को आज लेटर जारी नहीं हुआ है, और हमारे लिए सबसे पहले क्यों ऐसा किया गया कि आप लोग घर से पैसे दे रहे हो हमारे लिए बताइए। ठीक है, राज्य शासन का पत्र क्रमांक 1446 में सारे जिला कलेक्टर्स को पत्र आया था कि ये योजना एक दस से जो है पहले बंद हो गई थी ना, फिर 25-10 में एक पत्र आया था, उसमें आपको उन्होंने दिसंबर तक योजना का विस्तार किया था, और उसमें ये लिखा है कि 1/18 से पेड़ों की समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने सीओ से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा सूचना पत्र दिया है, 1/18 से सेवाएं समाप्त होने समय में सूचना पत्र दिया गया, और बाकी के आदेश वो जनपद चूँकि नियुक्ता है जनपद सीओ, बाकी की कार्यवाही वो शासन के साथ की जाएगी, शासन कहेगा वैसा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आज 42 जिलों में मध्य प्रदेश के 42 जिलों में साक्षर भारत योजना जारी है, और केवल गुना जिले में है ना हमारे लिए सेवा समाप्ति के आदेश कर दिए गए, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश से हुए हैं या शिक्षा विभाग द्वारा हुए हैं, जो भी है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, और भारत सरकार अगर ऐसा करती है हमारी सेवा समाप्त करती है तो ये भारत सरकार का बहुत ही बुरा कदम होगा और खुद के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि हम करीब 4.5 साल से सेवा पर कार्यरत हैं और मात्र 2,000 रुपये में कार्य कर रहे हैं, सभी प्रेरक इसमें महिलाएँ भी हैं, बहुत गरीब लोग हैं, और इन लोगों के साथ बहुत अत्याचार होगा, जबकि देखा जाए तो हर नौकरी को 3 साल में नियमित किया जाता है और मानदेय भी बढ़ाया जाता है, जैसे रोजगार सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह वगैरह, और करीब 18 माह से हमें है ना मानदेय नहीं मिला है। स्कूलों में साइकिल से आने वाले छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। पर्यावरण सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए आज साइकिल ग्रुप गुना ने गुरुकुल स्कूल में साइकिलिंग को प्रोत्साहन देने हेतु छात्र छात्राओं को फूल माला पहनाकर व गिफ्ट देकर सम्मानित किया। समिति के सदस्य श्री सोलंकी ने बताया कि हमारा उद्देश्य पर्यावरण सुधारने का है, साथ ही इसी दिशा में कदम उठाते हुए साइकिल सप्ताह का आयोजन भी कर वे लोगों को जागरूक करेंगे। वह सभी स्कूलों में जाकर उन छात्र छात्राओं का सम्मान करेंगे जो प्रतिदिन साइकिल से स्कूल आते हैं। वह अन्य बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं साइकिल से स्कूल आने के लिए प्रेरित हों। इस कार्यक्रम में समिति के सदस्य महेश सोलंकी, विकास जैन नकराली, सौरभ जैन, संजीव विजयवर्गीय, विकास सोनी, सचिन अवस्थी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वो जो मोटर चला रहे हैं या वो जो मोटर चला रहे हैं।
सब लोगों को साइकिल से आना है और अपने मित्रों को प्रेरित करना है कि हम लोगों को पर डे साइकिल से ही स्कूल आना है ना। साइकिल से आने के अनेकों फायदे हैं, मालूम है आपको साइकिल से आने के फायदे हैं, पर्यावरण की रक्षा होती है, शारीरिक मजबूती बनती है, एक्सरसाइज होती है अपनी, ठीक है ना। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत राजगढ़ विभाग द्वारा आज स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर महावीरपुरा में बाल मेला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहां छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के विज्ञान से संबंधित मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई, साथ ही बाल मेले में बच्चों द्वारा बनाए गए व्यंजनों का आनंद भी यहाँ पहुँचे लोगों ने लिया। विजयाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।